आज बेटा लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि वर्ब क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। वर्ब हैज़ टू टाइप्स। वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब आपका सकर्मक क्रिया होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब आपकी अकर्मक क्रिया होती है। फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब वो क्रिया जिसमें रिक्वायर होती है ऑब्जेक्ट की, वस्तु की नीड होती है कंप्लीट करने के लिए उसके सेंस को, उसकी मीनिंग को, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब मतलब कि सकर्मक क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश वॉशेज हिज कार। रमेश वॉश कर रहा है क्या बेटा? अपनी कार, हिज कार को। ठीक है, तो कार क्या है बेटा? आपका ऑब्जेक्ट है। सी पेंटेड अ पिक्चर। वह क्या पेंट कर रही है बेटा? पिक्चर को, चित्र को। थर्ड, द डॉग बाइट्स द पोस्टमैन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, इन दिस सेंटेंस, आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं वाक्य में द वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब को रिक्वायर है किसकी? ऑब्जेक्ट को, अपनी कंप्लीट करने के लिए सेंस को। ठीक है, सच वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। इन वर्ब को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। इट्स मीन सकर्मक क्रिया। जैसे आपका ऑब्जेक्ट कार, पिक्चर और पोस्टमैन, ये आपके क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। सेकेंड है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब में बेटा आपको रिक्वायर नहीं होती किसकी? ऑब्जेक्ट की, बट मेक्स गुड सेंस फिर भी, लेकिन आपका जो गुड सेंस निकलता है वर्ड्स, ठीक है, वर्ब का, बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ रही है। मैरी वेप्ट, मैरी रो रही है। द सन साइन, सन चमक रहा है। तो इसमें क्या है जो आपका फ्लाई है, वेप्ट है एंड साइंस है, ये आपका क्या है बेटा? इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। जिस सेंटेंस में आपके ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फिर भी मीनिंग कंप्लीट होता है आपका खुद से, तो वो आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है मतलब कि अकर्मक क्रिया है, और ट्रांजिटिव वर्ब आपकी क्या है? सकर्मक क्रिया है। ओके बेटा, नॉट बींग वर्ब्स आल्सो टेल वॉट दे आर। बींग वर्ब की शुरुआती क्रियाएं क्या होती हैं? देखिए, बताते हैं आपको। लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड, देखिए, पढ़िए और समझिए। आई एम अ टीचर। वी आर फार्मर्स। इट इज़ अ रोज। ओके, तो आप ये देख रहे हैं जो अंडरलाइन, द अंडरलाइंड वर्ड्स एम आर एंड इज टेल अस वॉट समथिंग और समवन, कुछ भी, एक, कोई व्यक्ति, ठीक है, इज दे आर कॉल्ड बींग वर्ब। वी आपके क्या है बेटा? बींग वर्ब है। जैसे कि आपको एम, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। वी आर फार्मर, वह क्या है बेटा? हम सब क्या है? किसान है। इट्स अ रोज, यह क्या है? गुलाब है। तो यहाँ पे इज, एम, आर है जो आपके ये बींग वर्ब है। बींग वर्ब्स आर कौन कौन से होते हैं? एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बींग एंड बीन, ये आपके बींग वर्ब्स है, शुरुआती क्रियाएँ हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल्स, आई एम लेट टूडे, आज मैं लेट हूँ, देरी हूँ। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग सीता, तुम कहाँ जा रही हो सीता? रीना एंड हर ब्रदर आर स्टिल स्लीपिंग। रीना और ब्रदर, उसका भाई अभी भी सो रहा है। ही वॉज देयर यंगेस्ट सन, वह उसका क्या सबसे छोटा बेटा है। दे वर एंग्री दे हैड लॉस्ट द मैच, वह गुस्सा है किस बात की? वह गुस्सा है किस लिए? क्योंकि वो मैच हार गए हैं। ठीक है, सी इज 8 years old, वह 8 साल का है। तो यहाँ पे आपका एम, आर, आर, वॉज, वर, इज, ये आपके विंग वर्ब हैं। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड वर्ब एंड काइंड्स ऑफ वर्ब।